जी तो दोस्तों, हम अपनी मस्जिद की पार्किंग में पहुंच गए हैं और ये सामने स्कूल एरिया है और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद जो है वो हमारे सामने आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए, अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी रहमत के साए में रखे। मेरे दोस्तों, आज की खूबसूरत मस्जिद, जैसा कि आपने देखा, मैं यहाँ से गुजर रहा था और बड़ी ही खूबसूरत मस्जिद मुझे नज़र आई यहाँ पर मेरे सामने, और मैंने कहा यहाँ पर खड़े होकर इस पूरी मस्जिद को आपको दिखाया भी जाए। और नमाज असर का कुछ ही देर में, कुछ लम्हों के बाद नमाज असर इंशाल्लाह होने वाली है, तो असर की नमाज भी यहाँ पर अदा करेंगे और ये खूबसूरत मस्जिद भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स गो। ये मस्जिद के बाहर सहन देखें दोस्तों, धूप होती है ना, तो धूप के लिए ये साया यहाँ पर मुहैया किया गया है मस्जिद के सहन में। जी तो दोस्तों, ये मस्जिद का नाम है मस्जिद अली अल शनकीती रहमहुल्लाह। और मस्जिद के अंदर चलें। ये दोस्तों मस्जिद का छोटा हॉल है, दाखिल होते ही छोटे हॉल से अब हम बड़े हॉल की जानिब जाते हैं। मेहराब व मिंबर, मेहराब के ऊपर दोस्तों अगर आप गौर से देखें तो कुरान करीम की आयत मुबारक लिखी गई है, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, सदकल्लाहुल अज़ीम। Thank you.
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि आज जो नमाज असर यहाँ पर अदा करने का मौका मिला, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और आप तमाम अहबाब के लिए ढेरों दुआएं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज की ये खूबसूरत मस्जिद, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जल्द मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।